जी नमस्कार सबको, राम राम। मेरा नाम पवन मल्होत्रा है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ जीजा माता उद्यान बायकला में आने का। और यहाँ पर जो उद्यान है ये 27 साल से, मैं तो खैर पहली बार आया हूँ और मुझे मालूम इसी बार मालूम पड़ा है कि हर बार एक थीम सोचा जाता है उद्यान में और फूलों से और पौधों को के हेल्प से हर बार एक नया थीम होता है। जैसे इस बारी एनिमल्स है, जानवर। और अगर कुछ फोटो देखेंगे या विजिट करेंगे, अगर आएंगे आप देखेंगे कि तरह तरह के जानवर फूलों से बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो जो लोग नहीं आए हैं मैं उनको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा, मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आए। और आज जो हम कंक्रीट जंगल्स में रह रहे हैं तो जो लोग कॉन्शियस हुए हैं कि हवा पानी जो हमारा ख़राब हो रहा है, तो पौधों का उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप घरों में, हम इस वक्त जो कमरों में अपने एक खास तरह का पाम या स्नेक प्लांट सब ढूंढ ढूंढ के लगा रहे हैं इसीलिए कि इससे ऑक्सीजन मिलती है। तो बच्चे आएंगे तो उनको पर्यावरण में बात बताएंगे, सुंदर भी लग रहा है। और पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे तो भाई ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है, पानी और ऑक्सीजन अगर चला जाएगा ये देश से बाकी चीज़ें तो ये भी पीछे खा लेंगे। और वो भी खाना भी उसी से आना है। अगर आपका पानी और वायु प्रदूषण हो गया जो पौधे ही बचाएंगे, और फूल जो है ये सब एनवायरनमेंट के लिए, जैसे बोलते हैं कि मनुष्य नहीं रही दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ये सब एक दूसरे का एक चेन है जो प्रकृति ने भगवान ने हमें बना के दी थी। और हम शायद अपने लालच में या ओवर यूज में, और कुछ चीज़ें अभी ऐसी हो गई जिसको लालच नहीं कहा जा सकता, वो जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गई जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। मुंबई का मैसेज यही है कि आप अपने प्लांट्स अंदर घर के अंदर प्लीज ले आ करो, और जितना भी आप खा सकते हो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपके लाइफस्टाइल में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इतना सारा स्पेस नहीं है, देयर इज नॉट सो मच स्पेस टू गो आउट एंड एंजॉय टू हैव टू इंटीग्रेट इट विद योर लाइफस्टाइल। हॉर्टिकल्चर का इस बार जो कॉन्सेप्ट रखा लोगों को पढ़ाने के बारे में, उसमें क्या नया इस पर क्या क्या बताया जाएगा हॉर्टिकल्चर के बारे में? जैसा मैंने पहले बताया कि मुंबई में करीबन 27 सालों से ये प्रोग्राम ले रहे हैं, तो इसमें तीन पार्ट में होता है। एक तो जगह पे हम लोग लैंडस्केप डिज़ाइन करते हैं, जो यहाँ पे हमने बोला कि वाइल्ड एनिमल का हम लोगों ने डिस्प्ले किया है। दूसरा जो होता है ये 10 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बोनसा है, किचन गार्डन है, ऐसे अलग अलग ग्रीनरी को अवेयरनेस के लिए। तो अगले सैटरडे संडे 10 सब्जेक्ट पे हम लोग एक कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। और तीसरा, हम पूरे मुंबई का सर्वे करके जो सोसाइटी ने अच्छा पेड़ लगाया है, जिनका गार्डन अच्छा है, उनको हम अवार्ड देते हैं ताकि मुंबई करों में इसके बारे में अवेयरनेस निर्माण हो, मुंबई कर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। और मैडम ने जैसा बताया, इनके साथ हमने बांद्रा में एक मून का एक आर्ट लगाया है जिसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के प्रति अवेयरनेस का काम करते हैं। और मुंबई करों को मैं आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और BMC को मुंबई ग्रीन करने में हेल्प। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर मुंबई का जो प्रदेश कहते हैं कि दरिया के किनारे है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बाहर जो पेड़ लगा सकते हैं वो कौन से प्रजाति के पेड़ हैं या कौन से पेड़ हैं जो लगा सकते हैं सबसे ज़्यादा? अच्छा सर, उसमें इंडिजिनस जिसे बोलते हैं, जो कोकण फ्लोरा जिसे हम बोलते हैं, जो कोकण में आते हैं, ऐसे सभी पेड़ हम लगा सकते हैं और वही लगाते हैं। अभी 5 साल पहले मुंबई की जो ट्री अथॉरिटी, उसने एक रिजोल्यूशन पास किया था कि जो कोकण में आते हैं, जो नेटिव है, वही ट्री हम लोग लगाते हैं।
नीम हो सकता है? नीम ज़्यादा करके नहीं लगाते क्योंकि वो ड्राई रीजन में आता है, लेकिन फिर भी नीम लगाते हैं, वो इंडिजिनस ही है, लेकिन वो ड्राई एरिया में इसमें आता है, मुंबई में उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा नहीं होता है। नहीं, सेमिनार के लिए चार्जेस है, 3 दिन के लिए 1000 रुपीज़ चार्जेस है, बाकी फ्लावर शो फ्री है, जो बाहर के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया वो भी फ्री है। थैंक यू। कहाँ कहाँ से लोग आए? पूरे इंडिया से लोग आते हैं अलग अलग, इसका एक साल भर हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, करीबन 250 लोग आते हैं, और मतलब 250 का कैपेसिटी है हमारा, तो उनको हम लोग एक्सपर्ट के जरिए पूरे इंडिया से एक्सपर्ट बुलाते हैं, जिसमें वर्टिकल गार्डन होगा, टेरेस गार्डन होगा, किचन गार्डन होगा, जो मुंबई की ज़रूरत है उस तरीके से हम लोग लोगों को अवेयर करने के लिए पढ़ाने का कोशिश करते हैं। थैंक यू। पालिका के गार्डन डिपार्टमेंट की ओर से हर साल फरवरी महीने में पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में एक फ्लावर शो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये 27th ईयर है, और 2015 से हम लोग अलग अलग थीम पे किया करते, जैसे बेटी बचाओ होगा, एनिमल किंग, इस साल का जो है एनिमल किंगडम, ये थीम हम लोगों ने रखा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि उसमें फ्लावर से बना शेर, टाइगर, एलिफेंट या सभी वाइल्ड एनिमल बनाए गए। मैं आपके ज़रिए मुंबई करों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आए और देखे। ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे सवेरे 8 से रात को 8 बजे तक खुला है, और ये फ्री में है। तभी मैं मुंबई करों से फिर निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और नेचर को, निसर्ग को बचाने के लिए मुंबई महापालिका को हेल्प करें। तो जैसा भी आजकल जैकी श्रॉफ भी स्नेक प्लांट लेके हर फंक्शन में जाते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मुहिम PFC की तरफ से शायद कर रहे हैं, जाके हर आदमी को गिफ्ट करते हैं, जिसकी पार्टी जाएंगे उनके गिफ्ट करेंगे, तो ऐसे ही स्नेक प्लांट और कौन सा प्लांट इम्पोर्टेंट है पब्लिक को, आम जनता को बताने के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी प्लांट इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई प्लांट नहीं जो ह्यूमन बींग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नेचर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुंबई में जगह का प्रॉब्लम देखते हुए जिसके पास जो कुछ भी है, बालकनी होगा, टेरेस होगा, जो भी जगह है, उस जगह में जो आ सकता है वह उसी तरीके का प्लांट लगाना चाहिए। इसलिए मुंबई महानगरपालिका ने और एक मुहिम शुरू किया है, जिसमें ग्रीनिंग ऑफ मुंबई बोल के एक हम लोग बुकलेट निकाल रहे हैं, जो मार्च में रिलीज होगा, जिसमें आपके पास जिस तरीके का जगह है उस तरीके के, मतलब छोटा जगह है, बड़ा जगह है, मीडियम है, तो क्या लगाना चाहिए, उसके लिए माली का अवेलेबल होगा, सीड का अवेलेबल होगी, पेड़ का अवेलेबल होगा, ये सब इम्पोर्टेंस मालूम दिया जाएगा। तभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा, यही उसका थीम है। सर, अभी धरती को बचाने के लिए बहुत जगह पानी के लिए भी सोर्सेज बनाए जा रहे हैं, जो हार्वेस्ट करके वाटर हार्वेस्टिंग, तो प्लांट लगाने के लिए आम जनता क्या तैयारी करें, अपने घर में क्या कर लगा सकती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जा सके? मैं जैसा आपको बोला कि हर पेड़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा बालकनी में अगर लोग अपने विजिटेबल ग्रो करें तो उनको प्लांट भी मिल जाएगा और घर पे बना हुआ फ्रेश विजिटेबल भी मिलेगा। और अभी काफ़ी लोग इसको मतलब लगा रहे, जैसा कि कल रंजीत जी आए थे, उनके टेरेस में वो खुद का ही सब्जी खुद खाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं अभी जिनके पास जगह अवेलेबल है, जिस तरीके का अवेलेबल है उतना पेड़ लगाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में, बहुत साल से ये हो रहा है यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन? आप सबको सबसे पहले नमस्ते। और पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन तो देते ही है, छांव भी देते हैं। अगर आपने मुंबई की बात करो तो नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, लोग पार्किंग की जगह जब ढूंढते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ छांव हो, पेड़ के नीचे हो, ताकि गाड़ी गर्म ना हो। तो अगर जब पेड़ नहीं बचेंगे तो गाड़ी कहाँ लगाएंगे, रास्ते पे तो लगाएंगे तो एकदम गर्म हो जाएगी। तो जब पेड़ का महत्व जब उनको भी पता है तो पेड़ लगाने की हर जगह कोशिश कीजिए। मैं एक काम करती हूँ, हर बार जब भी मेरा जन्मदिन होता है तब मैं एक पेड़ लगाती हूँ, मतलब उसको थोड़ा सा बड़ा होने तक उसको फेंसिंग वेंसिंग डिफेंस करके रखना थोड़ा वो ट्राई करती हूँ। तो मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने पेड़ हो सके, और मेरे घर पे भी, मैं घर पे भी गार्डन में, मतलब किचन में जो बालकनी है वहाँ पर मैंने होम गार्डन लगाया है, वहाँ पर मैं धनिया उगाती हूँ, मिंट उगाती हूँ, थोड़ी छोटी छोटी मूँगफलियाँ आती हैं, कभी गाजर आ जाती है, और इस बार थोड़ा सा एक छोटा शिमला भी आया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे जो भी उगा सकते हैं वो उगा लूँ, और मुझे पेड़ पौधे फूल बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कहाँ से ऐसी कोई जगह मिले जहाँ से मैं चीज़ें कुछ ले सकूँ और उगा सकूँ घर पे ही। तो अब तो मुझे एक रिसोर्स भी मिल चुका है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू, मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ से जो जो मैं उठा के लेके जा सकूँ मैं उठा के लेके जा सकूँ। और खाद भी बना सकते हैं आराम से ही,
घर पे ही जो आप जो सब्जी वगैरह काटते हैं तो उसमें जो बच जाता है उसको खाद में मिट्टी मिला के उसका खाद बनाया जाता है, दैट्स व्हाट मैं जो करती हूँ वो इसी तरह करती हूँ, और अच्छा सा खाद बन जाता है तो आपकी जितने भी फ्लावर प्लांट्स हैं सबको जितने भी प्लांट्स हैं उसमें आराम से वो खाद डल जाता है और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। जैसे सर ने बताया कि आपके पास जो अगर बालकनी अगर खिड़की भी है तो खिड़की पे भी क्या हो सकता है उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आई होप एवरी मुंबईकर मेक्स थोड़ा एफर्ट करके एक छोटा सा प्लांट अपने घर में ज़रूर रखें, बिकॉज ग्रीनरी जहाँ होती है वहाँ पर एक खुशी आती है, वो ग्रीनरी को देख के खुशी है। बारिश के मौसम में जैसे हमें हर जगह जब ग्रीनरी दिखती है खुशी का माहौल लगता है, और मुझे एक बहुत सुंदर एक फ्लावर भी गिफ्ट मिला है तो आई एम डेफिनेटली कीपिंग दिस और आई होप कि बहुत बड़ा हो जाए, इसकी खुशी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।